हेलो फ्रेंड, आई एम समदी बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल वीडियो रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व इफेक्टिव स्ट्रेस प्रॉब्लम फॉर ड्राई सॉइल। एंड इन लास्ट वीडियो आई ड्रॉ द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम्स हाउ टू सॉल्व एंड एट द लास्ट आई सॉल्व math problem. Today, this is the case 2, you can say. Today, we'll solve the effective stress problem, dry soil, as well as surcharge loading. ठीक है? Same चीज़े हम बताएंगे, मतलब, how to draw diagram number 2, how to calculate stress, I mean total stress, effective stress, everything. And third, we solve one numericals. So watch the video till the end, brush up your concept, enrich your knowledge. If you are new in my channel, subscribe to the channel, press the bell icon for never miss an update, because I am coming with these types of video almost every day. So suppose this is your GL, ठीक है? And this is your soil stratum, height equal to H. And in this situation, due to some reason, there is a load Q is acting. Okay, Q is acting. Okay. Now what we do? First, we want to draw the diagram. And one more thing. Here pe gamma dry is given, that means soil condition is dry. Okay, so before the approaching the diagram, we have to understand there is basically two scenario. One diagram for surcharge load, another diagram for dry soil. Okay, so one by one we can understand. So for better understanding, I draw here the diagram. This is your H, this is here dry soil, gamma dry. And here Q acting. Okay, so for surcharge kaisa hoga loading diagram? Surcharge ke liye bas ek normal constant loading diagram hoga. Ye aapka ho gaya Q, ye ho gaya aapka H. 2, kiske liye hoga? Dry. ड्राई के लिए क्या होगा? सिंपल सा बात है, दिस इज योर एच, दिस इज योर गामा एच. ओके फाइन, चलो बढ़िया बात है. तो इस सिचुएशन में क्या है? दो चीजें हैं, बस दो को प्लस कर दो और जैसे डायग्राम बनेगा वही होगा फाइनल. तो चलो, इसको जनरली कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो पहले आप एच हाइट को ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे, बस हो गया, बस हो गया. तो सो दिस वैल्यू इज क्यू एच, this value is gamma h. ठीक है, so diagram बन गया. अब इतना समझने के बाद diagram draw करोगे तो आप by default अब visualize कर पाओगे. so there is basically two shapes, shape 1 and shape 2.
ठीक है. नाउ व्हाट वी डू विल नाउ सॉल्व द व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस वैल्यू और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. हमको क्या पता है, हमें एक चीज पता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस मतलब होगा एरिया ऑफ प्रोफाइल. ठीक है, तो एरिया ऑफ प्रोफाइल में कौन कौन है ना, ये यहाँ पे बेसिकली दो नोन प्रोफाइल है, वन रेक्टेंगल वन ट्राइंगल. तो हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या होगा, मतलब बेस इनटू डेप्थ. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो आप बताओ सर, या मैं बेस क्यू एच डेप्थ एच, तो हम लिख सकते हैं क्यू एच मल्टीप्लाइड बाई एच. और यह में क्या होना है, बेस में है गामा एच एंड हाइट में एच है, तो हम लिख सकते हैं हाफ गामा एच इंटू एच. सो दैट वी कैन से टोटल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू क्यू एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा एच स्क्वायर. ओके, चलो नाउ वी फाइंड आउट व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर. एज इन दिस डायग्राम देयर इज अ नो वाटर दैट मींस पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा. पोर वाटर प्रेशर जीरो. सो हम क्या जानते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, राइट. सो टोटल स्ट्रेस कौन है, क्यू एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा एच स्क्वायर प्लस जीरो. सो इफेक्टिव स्ट्रेस दैट इज सिग्मा और सिग्मा डेस, आपको जो मर्जी हो कह सकते हो, क्यू एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा एच स्क्वायर. ठीक है, आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी सॉल्व द मैथ. वही सेम प्रॉब्लम करेंगे हम. ये है आपका 5 मीटर, वही ड्राई डेंसिटी है 20 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यह हमें कौन अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लोड अप्लाई होगा. तो क्या होगा इसका डायग्राम, ऐसा ही होगा. पहले सरचार्ज के लिए ये बनेगा, ये 5 है, तो यहाँ पे क्यू एच होगा. क्यू एच मतलब 10 इंटू 5, चलो लिख सकते हैं हमें, इसका मतलब होगा 50. उसके बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा ना, होगा गामा एच. गामा एच मतलब 20 इंटू 5, दैट इज हाउ मच, 100. सो नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. इन दिस सिचुएशन पोर वाटर नहीं है तो जीरो. टोटल स्ट्रेस में क्या होगा, क्यू एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा एच स्क्वायर. तो क्यू एच मतलब क्यू हो गया आपका 10, एच स्क्वायर 25, हाफ 5 इंटू, तो कितना हो गया, 250 प्लस 10, 550, 250. सो 500 न्यूटन पर मीटर. इफेक्टिव स्ट्रेस इज 500 न्यूटन पर मीटर. सो गाइस, दिस वीडियो इज यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है. तो इस वीडियो में हमने बात किया है केस टू के बारे में, जहाँ मैं सर्च लोड में अप्लाई किया है, बिकॉज लास्ट दिन में हमने ड्राई सॉइल के बारे में बात किया है. सो गाइस, आई
वह जहाँ पे हमने पूरा ड्रॉ किया कैसे इसको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करोगे, कैसे फाइनल डायग्राम आएगा, तो हमने बात किया है। और उसके बाद यहाँ पे बात किया है कैसे टोटल स्ट्रेस को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट इफेक्टिव स्ट्रेस। सो आई होप देयर इज, एंड देन वी सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। हियर इज द मैथ्स। सो आई थिंक देयर इज नो डाउट। इफ देयर इज डाउट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई एम गेट बैक टू यू। एंड इफ यू थिंकिंग, इफ यू आर थिंकिंग देयर इज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माय दिस वीडियो, सो या डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर सर्कल, because your like and share inspire me, motivate me to make this such kind of content. Still, if you are watching my video, subscribe my channel and press the bell icon for never miss an update, because I'm coming with this types of video almost every day. Thank you for watching this video. More knowledge, more opportunity.